हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कंसेप्ट को समझ लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर इन विच केस द एनर्जी रिलीज्ड इज मिनिमम। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, द एनर्जी रिलीज इज मिनिमम। ठीक है, ये आपका है। अब यहां पर ऑप्शन में आपको दे रहा हूं बच्चों, इसको समझना। यहां पर Cl2 Cl-। ठीक है, बी आपका क्या है बच्चों, यहां पर BF P2 P-। सी ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, यहां पर N2N-। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, यहां पर C2C-। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा है कि किसमें आपकी एनर्जी सबसे कम रिलीज होगी, मतलब सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब सबसे मिनिमम एनर्जी आपकी किसमें रिलीज होगी। मिनिमम एनर्जी रिलीज होने का मतलब है आपका क्या होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी व्हाट, मिनिमम। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके किस केस में मिनिमम होगी वो हमको चेक करना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके किस केस में मिनिमम होगी, जैसा मैंने आपको बताया था कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, मिनिमम होती है। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्या होती है बच्चों, मिनिमम होती है। तो यहां पर सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूंगा तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 2s2 2p5। इसका कितना आ जाएगा, 3s2 3p3। ठीक है, 3p3। इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 3s2 3। यहां पर 2s2 नाइट्रोजन है तो 2s2 2p3, और यहां पर कार्बन है तो 2s2 2p2। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में क्या होता है बच्चों कि यहां पर आप देखो, यहां पर सबसे मिनिमम मैंने आपको बताया था ग्रुप आपका यहां पर मैंने आपको बताया था 14 और ग्रुप 15 और यहां पर ग्रुप 16 आपके तीन टाइप के एलिमेंट है ग्रुप 17 में आपका कौन आता है बच्चों, क्लोरीन। ठीक है, ग्रुप 17 में आपका कौन आता है, क्लोरीन। ठीक है, अब यहां पर ग्रुप 15 में आपका कौन आता है, नाइट्रोजन, और उसके बाद कौन आता है, फॉस्फोरस, और आपका यहां पर ग्रुप 14 में आपका कौन आता है, कार्बन। तो मैंने आपको जनरली बताया था कि ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका कम होगा एस कंपेयर टू कार्बन। ये तो मैंने आपको जनरलाइज बता दिया था ड्यू टू द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि ये पहले से स्टेबल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हमारे लिए बहुत टफ होता है, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी कम होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका कम होगा तो यहां तक तो समझ में आ जाएगी ग्रुप 14 का। अब देखो यहां पे हम क्या निकाल लेंगे, यहां से रिजल्ट हम निकाल लेंगे कि सबसे पहले ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हायर देन ग्रुप 15 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका लेस होगा एज कंपेयर टू ये, तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि यहां पर आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में हम क्या करेंगे, ये आपका सेकंड या आपका थर्ड पीरियड का है और ये आपका सेकंड पीरियड का है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जनरली हमेशा ये वाला भी कंसेप्ट यहां लगाएंगे। अब यहां से तो मैंने एनालिसिस कर लिया कि नाइट्रोजन का कम होगा, अब इन दोनों में मैं कंसेप्ट लगा देता हूं। जनरली क्या होता है, पीरियड थर्ड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू पीरियड सेकंड
एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। तो यहां पर आपको देखना है ग्रुप 15 का भी कम होता है और प्यूरेट सेकंड आपको वो देखना है। तो कौन सा आएगा आंसर यहां पर, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका सबसे कम होगा। एनर्जी रिलीज की बात करें ना, रिलीज की बात करेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की बात करेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आई होप सो कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान से समझेंगे। विच ऑफ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन सा एलिमेंट आपका जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है? तो यहां पर ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है उस हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले आपका दिया हुआ है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आपको दिया हुआ है बी ऑप्शन, आपको दिया हुआ है यहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। सी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों यहां पर, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है नियोन, और यहां पर डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। अब मैंने आपको बता रखा है बच्चों कि जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका किसका होता है, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कल। ठीक है, थ्योरी में बताया था तो आप लोग समझ जाओगे यहां पर जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम किसका बोलेंगे। देखो, या तो यहां पर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। अब देखना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था, फुल फील्ड ऑर्बिटल। और मैंने यहां पर यह भी बताया था कि फुल फील्ड में आपका कौन कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, और आपका फुल फील्ड में एक और आता है नोबल गैस, मतलब हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये आता है बच्चों। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था फुल फील्ड ऑर्बिटल का हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके इक्वल मानते हैं बच्चों, जीरो के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कम होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बच्चों, लेस होती है, बट नॉट इक्वल टू जीरो। इस चीज को ध्यान रखना, बट नॉट इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस होगी लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं होगी। तो इक्वल टू जीरो मतलब आपका कौन सा ग्रुप आना चाहिए, या तो आपका ग्रुप सेकंड आना चाहिए इसके हिसाब से, ग्रुप सेकंड, या तो आपका क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रुप 18। ठीक है, ग्रुप 18 एलिमेंट। अब आप लोग देखो, फ्लोरीन आपके कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फ्लोरीन आपके ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ये आपका किसका एलिमेंट है, ग्रुप 15 का, हाफ फील्ड है। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस होती है लेकिन बट नॉट इक्वल टू जीरो। नियॉन आपका किसका है, ग्रुप 18 का, ग्रुप 18 का है। ठीक है बच्चों, यहां पर और ऑक्सीजन आपका किसका है बच्चों, ग्रुप 16 का। ठीक है, तो आप देख सकते हो कौन कौन से ग्रुप वाले हमेशा जीरो रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो रखते हैं, कौन कौन से ग्रुप वाले बच्चों, ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप 18। तो नाउ अब आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर मल्टीपल चॉइस में पूछ लेता और मुझे ग्रुप सेकंड का भी एलिमेंट डाल देता तो दो आंसर होते। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में पूछता तो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को भी मैं इसमें इंक्लूड करता। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा उसको देखते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला उसको देखते बच्चों ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो या फिर आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, बात एक है। ठीक है, ध्यान से समझना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी लिख दिया मैंने ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ
इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन तो दिया हुआ है हमको, ऑप्शन हम ऑप्शन के थ्रू करेंगे, तो ऑप्शन तो दिया हुआ है तो हम ऑप्शन भी लिख लेते हैं। वैसे मुझको ऑप्शन की इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं होती है बच्चों। 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यहां पर सी आप क्या बोलोगे बच्चों, यहां पर -2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ये आपका कौन सा फिनोमिना है, ये आपका कौन सा फिनोमिना है सबसे पहले उसको समझो। ये आपका आपका यहां पर एक्सोथर्मिक फिनोमिना है और एक्सोथर्मिक फिनोमिना होने की वजह से डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों क्या आएगी बच्चों यहां पर नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू आपकी क्या जाएगी बच्चों यहां पर नेगेटिव। अब डेल्टा एच की वैल्यू जब यहां पर नेगेटिव आएगी तो ये पॉजिटिव वाला तो किसी काम का नहीं है, ये पॉजिटिव वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। सबसे पहले इस तरीके से देख लेंगे हम अप्रोच किस तरीके से मैं कर रहा हूं क्वेश्चन को, उस तरीके से आप एक एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन को समझ समझ के क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा होगा। अब देखो Na का अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा तो आपका Na प्लस बनेगा, ठीक है, और यहां से जो एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी वो कितनी होगी डेल्टा एच प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर है। अगर मैं अब बोलूं कि Na प्लस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर Na प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो आपका इस तरफ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहां पर देखो यहां से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करके पीछे की ओर जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां पर नीचे आयोनाइजेशन वो एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का और यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, बोथ आर रिवर्सिबल। जितना एनर्जी इसको यहां से यहां जाने में लगेगा उतना एनर्जी आपको कहां से कहां आने में लगेगा, उल्टा आने में लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शन में आपके साइन चेंज होते, केमिकल रिएक्शन में अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव है तो इस तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव है, इस तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव है तो इस तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव है। तो यहां पर अब आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना हो जाएगा -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन आंसर विल बी व्हाट -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप सो कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने डील किया, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है बच्चों समझते ध्यान से, ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछा है कि क्वेश्चन यहां पर पूछा है विच विल हैव द मैक्सिमम विच विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विच विल हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए, ओ एक्स लगा दिया है, ओ वाई लगा दिया है, ओ जेड लगा दिया है, और हियर यहां पर आपका क्या है बच्चों, हियर एक्स y and z equal to 1, minus 1 and minus 2, then आपका ऑप्शन दिया है बच्चों यहां पर ox, b ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों यहां पर oy, c यहां पर आपका c ऑप्शन दिया हुआ है oz, ठीक है। अब आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या होता है बच्चों आपका एनर्जी रिलीजिंग का आपका होता है, ठीक है, यहां पर डी ऑप्शन लिख देता हूं ऑल आर इक्वल, ठीक है। अब यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो आपका क्या होना चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव ये होनी चाहिए, अगर नेगेटिव साइन में आएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज्यादा है। तो सबसे पहले आप हम समझेंगे कि यहीं पर ऑक्सीजन है, ओ का मतलब ऑक्सीजन, यहां पर ओ अगर जीरो हुआ तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया, इसमें मैंने क्या कर दिया एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ओ माइनस वन, नाउ ओ माइनस वन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा ओ माइनस टू,
और O माइनस टू में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा O माइनस थ्री। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्सेस नहीं लग रहे। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का यहां पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा। बोथ आर हैविंग इक्वल चार्ज, सो दैट्स व्हाई ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रिपल हो जाएगा। जब ये आपका रिपल हो जाएगा यहां पर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी। और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां पर है बच्चों, फर्स्ट स्टेप में। और फर्स्ट स्टेप किसके रेस्पेक्ट में, ओ की वैल्यू जीरो, जीरो किसके लिए, एक्स के लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यहां पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको किस तरीके से डील करना है, अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है बच्चों, इस लेक्चर में हम केवल क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको लिख के दे देता है बच्चों, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों यहां पर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और यहां पर बेरिलियम। ठीक है, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों यहां पर, क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, यहां पर बीआर नहीं है, यहां पर बेरिलियम है। ठीक है, अब देखो सी ऑप्शन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आपका क्या दिया हुआ है बच्चों यहां पर, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आपका बेरिलियम। ठीक है, और डी ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है बच्चों यहां पर, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, बेरिलियम और यहां पर आपका दिया हुआ है फ्लोरीन। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए गए। ठीक है, यहां पर ये आपके ऑप्शन दिए गए, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। देखो काफी बड़ा है। ठीक है, अब आप लोग समझ सकते हो कि ये दोनों आपके हैलोजन ग्रुप है, ये दोनों आपके हैलोजन ग्रुप है, यहां पर भी हैलोजन ग्रुप है, सब में सिमिलर एटम है, तो मैं कैसे एनालिसिस करूंगा, ये दोनों आपके ग्रुप 17 के, ये आपका किसका ग्रुप 16 का है, ये आपका ग्रुप 15 का है, ये आपका किसका है बच्चों ग्रुप, ये आपका ग्रुप आपका किसका हो जाएगा बच्चों, आपका 14 का और ये ग्रुप 2 का। तो सबसे पहले मैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसको अरेंज करता हूं। ठीक है, मैं कैसे करूंगा, देखो एक तो मेरे पास ग्रुप 2 का एलिमेंट है, एक मेरे पास आपका यहां पर ग्रुप 14 का एलिमेंट है, एक मेरे पास यहां पर ग्रुप 15 का है, एक मेरे पास यहां पर ग्रुप 16 का है, एक मेरे पास यहां पर ग्रुप 14, हाँ ग्रुप 16, दो मिनट, एक मेरे पास यहां पर ग्रुप 2 का है, एक मेरे पास यहां पर ग्रुप 14 का है, एक मेरे पास यहां पर ग्रुप 15 का है, एक मेरे पास यहां पर ग्रुप 16 का है, एक मेरे पास यहां पर ग्रुप 17 का है, एक मेरे पास यहां पर ग्रुप 18 का है। ठीक है, ग्रुप 18, ग्रुप 18 का एलिमेंट है, नहीं है ग्रुप 18 का नहीं है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पांच ग्रुप के एलिमेंट है अलग अलग। अब देख लेते बच्चों, सबसे पहले यहां पर समझेंगे बेरिलियम तो सेकंड पीरियड में आएगा, तो बेरिलियम मैंने लिख दिया, सेकंड पीरियड वाले को एक साथ लिखूंगा और थर्ड पीरियड वाले को एक साथ लिखूंगा, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आपका यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर कार्बन भी इसी ग्रुप में यहीं पर आता है, और उसके बाद कौन आता है बच्चों यहां पर, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ग्रुप 16, उसके बाद आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आपका दिया हुआ है क्लोरीन। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्लोरीन हैव अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से क्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा,
ठीक है, क्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा। अब मैंने आपको बताया था इसकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो जाती है बच्चों, जीरो होती है। ग्रुप सेकंड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है बच्चों, जीरो होती है। तो सबसे मिनिमम आपका किसका आ गया बच्चों, बेरिलियम का। बात क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में क्या होता है बच्चों, यहां पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से ये आपका स्टेबल ऑर्बिटल होता है, जहां पर ये आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। और ये आपका स्टेबल होने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए ये आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। हमको एनर्जी देनी पड़ती है और एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो नाइट्रोजन का आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू कार्बन, मैंने आपको बताया था इन दोनों में। तो यहां पर आपको ये वाला टर्म भी समझ में आ गया। नाउ अब देखो, अब समझना, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करता हूं तो साइज क्या होता है बच्चों, साइज आपका डिक्रीज होता है। अगर आपका साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर इसके बाद आपका फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन के लिखते टाइम आपका किसका होगा, कार्बन का ज्यादा हो जाएगा, फिर आपका नाइट्रोजन का। तो आप मैच कर सकते हो कि यहां पर आपका किस तरीके से होगा बच्चों, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आएगा, काफी इंटरेस्टिंग है चैप्टर। आपको निकालना है ऑर्डर, इस तरीके से निकालो, इस तरीके से निकालोगे तो आप ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट में रहोगे, और आप सोच सोच के निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक होगा। हमेशा सॉल्यूशन को थोड़ा सा लिखने की कोशिश क्या करो, आप इन्हें पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसको अरेंज कर दिया करो, तो उससे क्या होगा कि जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा इजीली सॉल्व होंगे। अगर आप पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अरेंज नहीं करोगे तो आपको एक्सेप्शंस के बारे में पता नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, हमको मजा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करने में। अरेंज द एलिमेंट विद फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द एलिमेंट विद फॉलोइंग ठीक है, अरेंज द एलिमेंट विद फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ठीक है, अरेंज द एलिमेंट विद फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है। अब मैं यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं आपको किस तरीके से डील करना है, आप लोग एक बार खुद से कोशिश करो, देन आफ्टर आप लोग बताना। ठीक है, 3p4 बी ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, यहां पर 2s2 2p4 ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, यहां पर 2s2 2p3 ठीक है, और आपका यहां पर डी आपका कौन कौन से बच्चों, यहां पर 2s2 2p5। अब इसको आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। इस बार मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, अब आप ए का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, सी का ज्यादा होगा, ये नहीं बताना। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि ये आपके हैं, इसको मैंने ए बोला है, इसको मैंने बी बोला है, इसको मैंने सी बोला है, इसको मैंने डी बोला है। अब ए बी सी डी को आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब जैसा दिया गया वैसा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि यहां पर आपको पता पड़ रहा है ये आपका पीरियड कितना होगा बच्चों, थर्ड पीरियड होगा। और आपका ग्रुप देखो, 3p4 मतलब ग्रुप 16 का एलिमेंट है बच्चों, ग्रुप 16 का एलिमेंट है। मैंने आपको बताया था ना, दोनों को जोड़ दो और 10 जोड़ दो, 6 यहां पर, 4 और 2 कितने हो गए, 6 प्लस 10 16 ग्रुप। अब इसमें क्या होगा, पीरियड नंबर आपका तो पता पड़ गया, ये 2 होगा इससे, और ग्रुप नंबर आपका कितना हो जाएगा बच्चों इसका, देखो 4 और 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 16, इसीलिए मैंने आपको ग्रुप नंबर निकाला। अब इसमें आपका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 2 हो जाएगा, और यहां पर ग्रुप नंबर देखो 3 और 2 5 5 में 10 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 15। मैंने बताया था ना पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर हम इस तरीके से निकालेंगे। अब देखो इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 2,
और इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, 542, 7 में 10 जोड़ो 17, ये मैंने लिख दिया। अब मेरे पास आप देख सकते हो कि यहाँ पर ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो यहाँ पर मेरे पास ग्रुप 15 लिख लेता हूं मैं इसे, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 इसका एलिमेंट है। अब देख लेते हैं बच्चों कि किस तरीके से ग्रुप थर्ड पीरियड में ग्रुप 16 का एलिमेंट कौन सा होगा। थर्ड पीरियड में ग्रुप 16 का एलिमेंट आपका क्या कौन सा होगा बच्चों, सल्फर होगा, इसका ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अब यहां पर आपका इसका लिख दिया मैंने, सेकंड वाले का ऑक्सीजन होगा, ये आपका बी वाला होगा, ये आपका कौन सा वाला होगा, ए वाला होगा, ये आपका कौन सा वाला होगा, सी वाला नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये आपका कौन सा होगा, फ्लोरीन, जो कि आपका डी वाला होगा। अब क्या होगा बच्चों, इसका हम कैसे निकालेंगे, एक बार आप लोग कोशिश करो, एक बार आप लोग ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और आप लोग ध्यान से देखो कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपको निकालना है कि सबसे ज्यादा किस में होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा आपका किस में होगा। मैं अब देखो, सबसे पहले यहां पर अगर मैं पीरियोडिक टेबल में यहां से यहां मूव करूंगा, पीरियोडिक टेबल में यहां से यहां मूव करूंगा, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में मूव करूंगा, तो यहां पर साइज क्या होगा बच्चों, आपका छोटा होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका साइज क्या होगा, छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी बढ़ेगी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा यहां पर जो आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने वाली है वो आपकी किसकी होगी। देखो यहां पर आपके सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने वाली है उसको एक बार चेक करो बच्चों, किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे उसको एक बार चेक करो। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने वाली है ये आपका सबसे कम इसमें इसका होगा, सबसे ज्यादा आपका किसका होगा, एफ का होगा, एफ के बाद आपका किसका होगा, ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में आपका ग्रुप का फंक्शन होगा, तो इससे आगे कौन आ जाएगा, सल्फर के आगे कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हम यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालेंगे। आपको पता ही होगा बच्चों कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल में यहां से यहां मूव करूंगा तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो किसकी होगी, फ्लोरीन की। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हो गई है, ठीक है, हमने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अरेंज कर लिया। देखो मैं अगर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अरेंज करूंगा तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या कौन सा ग्रुप आएगा, ग्रुप ऑक्सीजन वाला आ जाएगा, एक आपका कौन सा वाला आ जाएगा बच्चों, सल्फर वाला, ठीक है, एक ऑक्सीजन वाला, एक सल्फर वाला, देन आफ्टर सबसे कम आपका नाइट्रोजन का, क्योंकि हाफ फील्ड और बैटल होता है, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब इस ऑक्सीजन और सल्फर में किसका होगा सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन और सल्फर में आपका किसका होगा, मैंने आपको बताया था थर्ड पीरियड का एलिमेंट का आपका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट, तो यहां पर आपका सल्फर का ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं देखना चाहूंगा तो यहां पर आपका ऑर्डर, आप लोग अब इसका ऑर्डर को अरेंज कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं बच्चों ध्यान से यहां पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चों, बी के बाद, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चों यहां पर, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंड आर इज करेक्ट। अब बताओ इनमें से कौन सा आपका ऑर्डर करेक्ट होगा, ठीक है। ए ऑप्शन मैंने दिया हुआ यहां पर, ए ऑप्शन सल्फर, ऑक्सीजन और सेलेनियम ये दिया हुआ है। आपका बी ऑप्शन मैंने क्या दिया हुआ है बच्चों, क्लोरीन और फ्लोरीन। सी ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, सल्फर का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। डी ऑप्शन मैंने दिया हुआ है यहां पर, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है सल्फर से, ठीक है। ई ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है बच्चों आपका फॉस्फोरस से,
और एफ ऑप्शन मैंने दिया हुआ है कार्बन का ज्यादा होगा आपका नाइट्रोजन से, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन को वीडियो पोज करो और आप लोग एक बार चेक करो कि किस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले हम यहां पर देखो ध्यान से कि यहां पर आप लोगों को बोला है कि कौन सा आपका ज्यादा होता है। यहां पर आपका सेलेनियम के बाद आप लोग कर लो, सेलेनियम के बाद आप लोग कर लो और सल्फर का, देन आफ्टर ऑक्सीजन का सबसे कम, ठीक है। हाँ, अब आप लोग बताओ बच्चों क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के केस में तो मैंने आपको पूरा रिलेशनशिप बताया था, सेलेनियम का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सेलेनियम का सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में आपका सही होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के केस में मैंने आपको बताया था फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, फोर्थ पीरियड और आपका थर्ड पीरियड दोनों का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड, ठीक है, ऐसा मैंने आपको बता चुका हूँ बच्चों, ठीक है। ए ऑप्शन तो आपका करेक्ट है, ठीक है। अब बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में आप जानते हो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बी ऑप्शन की केस की बात करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, यहां पर बी भी आ जाएगा। और सल्फर का आपका ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, अभी अभी मैंने डिस्कस किया, तो सी भी आपका करेक्ट है, ठीक है। सी के बाद डी, क्या ऑक्सीजन का ज्यादा होता है सल्फर से, नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों नहीं होता बच्चों, यहां पर सेकंड पीरियड एलिमेंट का आपका क्या होता है बच्चों, कम होता है एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट से, तो इसीलिए आपका यहां पर सल्फर का ज्यादा होगा, ये सही होगा तो ये गलत ही होगा, ऑब्वियसली बात है। अब यहां पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में भी आपका क्या होगा, ये भी आपका गलत होगा, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, फॉस्फोरस का ज्यादा होगा नाइट्रोजन, कौन सा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट का थर्ड पीरियड एलिमेंट से कम होता है। नाउ कार्बन और नाइट्रोजन के केस में, तो कार्बन और नाइट्रोजन के केस में हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, दिस इज अ व्हाट, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, दिस इज अ व्हाट, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और मैंने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के लिए लिखवाया था, और यह यहां पर मैंने लिखाया था ग्रुप 14, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 के लिए, तो मैंने क्या बोला था, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, ग्रुप 14 का, क्यों, क्योंकि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या होता है बच्चों, आपका स्टेबल होता है, सो दैट्स व्हाई यहां पर आपका ये वाला करेक्ट है। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, यहां पर ए बी सी एफ, ये आपके करेक्ट है, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूं, धीरे धीरे क्वेश्चन को डील करना है, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा होगा बच्चों, ठीक है। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, आपको निकालना है। अब इसमें से आपके मैक्सिमम भी सही हो सकते हैं, मैक्सिमम गलत भी हो सकते हैं। देखो अब इसको कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ए ऑप्शन मैंने ये दिया, बी ऑप्शन मैंने दिया आपको फ्लोरीन क्लोरीन यहां पर आ जाएगा क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। सी ऑप्शन मैंने यहां पर दिया बच्चों आपको फ्लोरीन ककाकम, फिर आपका ब्रोमीन और आयोडीन, वेरी गुड, ये भी सही है। अब देखो डी ऑप्शन देख लेते बच्चों, यहां पर डी ऑप्शन सी एन ओ यहां पर एफ, ठीक है। अब आप जल्दी देख सकते हो यहां पर आपके दो टाइप के आपको ऑप्शन मिले हैं बच्चों, दो टाइप के ऑप्शन मिले हैं आप लोगों को, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहां पर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, मतलब दोनों आपके सिमिलर है। अगर इन दोनों में मैं अगर सही ऑर्डर आइडेंटिफाई कर लूंगा तो दोनों में से एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहां पर कार्बन आपका किसका है सबसे पहले ऑप्शन ए एंड डी की मैं बात कर लूंगा, तो क्या बात करूंगा, ग्रुप
आज जब आपके सिमिलर हो तो ऑप्शन ए एंड डी में बात करेंगे, लेकिन अगर सिमिलर नहीं होता तो मुझको सबका देखना पड़ता, ठीक है। अभी तो मुझे ऑप्शन ए एंड डी में सिमिलरिटी लगी इसलिए मैंने ऐसा किया, अगर सिमिलरिटी नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं करता। देखो इसमें देखते हैं ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब ग्रुप 17 का कौन सा एलिमेंट है बच्चों, यहाँ पर फ्लोरीन है, ग्रुप 16 का कौन सा है ऑक्सीजन है, ग्रुप 15 का आपका नाइट्रोजन है और इसका कार्बन है। तो आप लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल में अगर मैं यहां से यहां मूवमेंट करता हूं, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं यहां से यहां मूवमेंट करता हूं लेफ्ट टू राइट, तो आपका साइज आपका डिक्रीज होता है। साइज आपका डिक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू द जेड इफेक्टिव। और साइज अगर डिक्रीज होगा तो आपका यहां पर क्या होगा, जो न्यूक्लियाई होगा, न्यूक्लियाई आपके जो इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करने वाले हो उसको अट्रैक्ट कर लेगा टुवर्ड, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे जनरलाइज क्या होना चाहिए, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन का, फिर आपका नाइट्रोजन का, फिर आपका कार्बन का। बट यहां पर फिर आपको क्या मिल गया बच्चों, देखो यहां पर आपको हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मिल गया, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का आपका क्या होता है बच्चों, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, ठीक है। स्टेबल होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने अपने लेफ्ट वाले ग्रुप से कम होती है, किससे, अपने लेफ्ट वाले ग्रुप से कम होती है। तो इसकी किससे कम होगी, इसकी आपकी 14 से कम होगी। तो जो आपका करेक्ट जो ऑर्डर होगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन, देन आपका नाइट्रोजन, दिस इज अ करेक्ट ऑर्डर। हमने निकाल लिया ए और डी। अब देखो ए और डी में कौन सा करेक्ट है बच्चों, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं कि यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको देखो बी एंड सी में आपको ग्रुप दिया हुआ है, केवल और केवल ग्रुप 16 दिया हुआ, ग्रुप 17 दिया हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आप जान सकते हो बच्चों, अब आप समझ सकते हो कि यहां पर तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि क्लोरीन आपका अपने अपने पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रखता है, ठीक है, ये तो मैंने पता लगा लिया। लेकिन जनरलाइज हम क्या बोलेंगे, सेकेंड पीरियड एलिमेंट हैव अ हाईएस्ट, थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव अ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सो दैट्स वाई क्लोरीन का आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू क्लोरीन के, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूंगा तो क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। देन आफ्टर यहां से आपका डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। तो यहां पर बोल सकते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में आपका क्लोरीन का ज्यादा होगा लेकिन बाकी सबका क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो ऐसा ऑर्डर आपको कहां दिख रहा है बच्चों, यहां पर। देन आपका कौन सा आंसर करेक्ट है बच्चों, ए और सी आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूं। मेरा तरीका एक है, बस थियोरी मुझे पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। थियोरी अगर आपको पूरी याद नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन, समझते हैं यहां पर, समझ लेते हैं बच्चों ध्यान से। देखो यहां पर आपको दिया हुआ है, यहां पर एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं बच्चों, समझ लेते हैं। राइट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अप टू, यहां पर आपको अप टू एटॉमिक नंबर टेन तक, ठीक है, एटॉमिक नंबर टेन तक विच हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पॉजिटिव का मतलब है कि देखो वैसे जनरली आपका नेगेटिव होता है, अब पॉजिटिव कब होगा, उसका तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होता है वो, अब मैं आपको बता देता हूँ, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होता है, मतलब हम उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं अगर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो उसमें मुझे एनर्जी को देना पड़ेगा और एटम आपके एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां पर आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि 10 तक, तो देख सकते हो आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये आपका 10 तक हो गया। 10 तक में आप देख सकते हो नोबल गैस कौन कौन से। नोबल गैस आपका हो गया ये वाला, एक आपका बेरिलियम का जीरो होता है, एक आपका नियोन का जी जीरो होता है। और बताओ इसके अलावा आपका पॉजिटिव किसका होगा, बताओ बच्चों इसके अलावा आपका पॉजिटिव यहाँ पर किसका होगा, फटाफट आप लोग बता सकते हो। ट्राई करो एक बार, यहाँ पर एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई करो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका किसका पॉजिटिव होगा निकालो बच्चों। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर एक तो आपका हीलियम का, एक आपका बेरिलियम का, एक आपका नियोन का, इनका तो जीरो होता है, लेकिन इसमें भी आप स्टेबल है तो यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव आप कौन कौन से केस में लगाओगे, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन। ठीक है, इसके केस में आप लोग लगाओगे, ये चारों एलिमेंट के आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कभी हम बोलते हैं जीरो, कभी हम बोलते हैं पॉजिटिव। अब हम नेचर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको डील करेंगे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम नेचर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से डील करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ कॉलम मैचिंग टाइप का लेते हैं बच्चों। ठीक है, कॉलम मैचिंग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देख लेते बच्चों कॉलम मैचिंग टाइप का, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। यहां पर आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, और यहां पर आपको दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो मैं आपको कॉन्फिग्रेशन बताता हूं, देखो 1s2 2s2 2p6। ठीक है, एक मैंने बनाया बच्चों आपका कौन सा 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1। ठीक है, ये मैंने बना दिया। एक मैंने बना दिया 1s2 2s2 2p5, और एक मैंने बना दिया यहां पर 1s2 2s2 2p4। ठीक है, 2p4 ये मैंने बना दिया। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखता हूं, वहां पर -53 -328, ठीक है, -141 और +48 बच्चों, ये आपका ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि कौन सा मैच करेक्ट है। ठीक है, कैसे हम इसको मैच करेंगे। देखो अब सबसे पहले समझना बच्चों, यहां पर 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 का मतलब आपका क्या होता है बच्चों। 1s2 2p ये आपका किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। ये आपका नियोन का होगा, ये आपका किसका होगा बच्चों, सोडियम का होगा। ये आपका किसका होगा, ये आपका होगा फ्लोरीन का। ये आपका किसका होगा बच्चों, ऑक्सीजन का। तो आप देख सकते हो बच्चों कि यहां पर अगर मैं देख सकता हूं, यहां पर मेरे पास कौन कौन से ग्रुप के, ग्रुप एक तो 1, एक मेरे पास ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 का एलिमेंट है। ग्रुप 18 का अब मैं पीरियड के हिसाब से जमा देता हूं, ये मेरा नियोन हो गया, यहां पर आपका फ्लोरीन हो गया, यहां पर आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और सोडियम यहां आ जाएगा थर्ड पीरियड में। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन ग्रुप 18 का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होते ही अप्रोक्स ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होगा, इसका जीरो होगा। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा, अगर मैं फिर भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। दिस इज व्हाट एंडोथर्मिक फिनोमिना, यहां पर आपका एंडोथर्मिक फिनोमिना हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका क्या जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, देन आफ्टर ऑक्सीजन का। तो यहां पर आपका फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, और सबसे कम आपका किसका होगा, Na का। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का, नेगेटिव वैल्यू में सबसे ज्यादा, नेगेटिव वैल्यू में सबसे ज्यादा देखना है, नेगेटिव वैल्यू में। ठीक है, उसके बाद किसका आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का, उसके बाद आपका सोडियम का कितना हो जाएगा, -53। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, A का 1, C का 2। अब देखो यहां पर बोलना बोल देता, ये मैंने A बोल दिया, ये मैंने B बोल दिया, ये मैंने C बोल दिया, ये मैंने D बोल दिया, आपको कैसे मिलेगा, आपको यहां पर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे मिलेंगे, वो ऐसे मिलेंगे। देखो आपको ऑप्शन मिलेगा, ए का क्या होगा, ए का आपका क्या होगा बच्चों, 4, बी का आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर 1, सी का आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर 2,
और डी का आपको क्या होगा बच्चों यहाँ पर थ्री। अब क्या करेगा एग्जामिनर ऑप्शन के टाइम में इसी को चेंज करता जाएगा, ए का थ्री कर देगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको इस स्टेप में आपको सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपका सिंपल है बच्चों, कोई ज्यादा टफ रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए पॉसिबल होते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब एक हम करते हैं बच्चों तीन चार न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। हाउ मच एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, हाउ मच एनर्जी। देखो यहां पर समझना, हाउ मच एनर्जी इन किलोजूल ठीक है इज रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम आर 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम आर क्लोरीन एटम्स आर converted completely to Cl minus, completely to Cl minus ion, Cl minus ion में completely converted होगा in gaseous state, ठीक है in gaseous state। अब बात को ध्यान से समझना बच्चों, में क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन आपका मोल कॉन्सेप्ट और दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज आपका कितना दिया गया है 349 किलोजूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव, आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया गया है, ठीक है 349 किलोजूल पर मोल। ठीक है, यह आपका मैग्नीट्यूड दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया गया है और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, और यहां पर एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना दिया गया है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आपका 35.5, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आपका कितना दिया गया 35.5 amu। ठीक है, 35.5 amu दिया गया है बच्चों आपको। ठीक है, अब यहां पर amu 1 एटम का मास दिया गया, एक्चुअली एटॉमिक ये आपका कितना होता है 1 एटम का मास। ठीक है, 1 एटम मास ऑफ 1 एटम, इसको हम क्या बोलेंगे मास ऑफ 1 एटम, ये एक्चुअली 1 एटम का मास होता है, आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं, आपको कितना बताना है कि इतने को इतने में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। एक्चुअली अब आप देख सकते हो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, ध्यान से समझना बच्चों। अब देखो किलो जूल पर मोल का मतलब हम क्या बोलेंगे, एक मोल में इतने किलोजूल, हम क्या बोल सकते हैं इसको एक्स किलोजूल पर मोल को, पहले हम बोलना सीखेंगे इसको बोलना सीखो, इसको कैसे बोलेंगे, वन मोल इक्वल टू एक्स किलोजूल पर मोल, एक्स किलोजूल ऐसे बोलेंगे। अगर यहां पर वाई होता तो वन मोल में वाई किलोजूल लग रहा है, यहां पर जेड होता तो एक मोल में जेड किलोजूल लग रहा है। ठीक है, यहां पर अगर आपका 2/3 होता, यहां पर अगर आपका 2/3 होता तो 2/3 किलोजूल पर मोल के लिए हम क्या बोल देते बच्चों, यहां पर बोल देते 1 मोल में 2/3 किलोजूल लग रहा है, या फिर 3 मोल में 2 किलोजूल लग रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलने का तरीका समझो, इसका मतलब है 1 मोल में कितने किलोजूल एनर्जी लग रही है बच्चों, इतने किलोजूल एनर्जी लग रही है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होगा, Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1 मोल Cl इज कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस, तो इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, इसके लिए जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके लिए कितनी हो जाएगी, 349 किलोजूल, ये हो गया। अब 1 मोल आपको कितने ग्राम का निकालना है, 1 ग्राम का निकालना है, तो इसका मतलब 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1 मोल में क्लोरीन के 35.5 ग्राम होते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा बच्चों, जितना आपका देखो मतलब 1 मोल में आपका 35.5 ग्राम होगा, तो मतलब 1 मोल का जितना होगा उतना इसका होगा। अब 1 ग्राम में कितना होगा जल्दी बता दो,
एक ग्राम में कितना होगा? आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, आपको बोलते थे 3 रुपए में 2 चॉकलेट मिलती है, तो आपके 6 रुपए में कितनी मिलेगी? तो आप क्या बोलेंगे, 3 रुपए में 2 चॉकलेट मिलती है, तो 1 रुपए में कितनी मिलेगी? 2/3। तो 6 रुपए में कितनी मिलेगी? 2/3 × 6। इस तरीके से आप लोग करते होंगे बच्चों, इस तरीके से आप लोग करते होंगे। आप लोगों से बोला कि 3 रुपए में 2 चॉकलेट मिलती है, तो 6 रुपए में कितनी मिलेगी? आप लोग सीधा बोलते होंगे 4। नहीं, कैसे होता है, 3 रुपए में 2 चॉकलेट मिलती है, तो सबसे पहले निकालो 1 रुपए में कितनी मिलेगी, 1 रुपए में कितनी मिलेगी? 2/3। और 6 रुपए में कितनी मिलेगी? 6 × 6। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। और यहां पर आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 349/35.5। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9.83 किलो जूल। ठीक है बच्चों, यहां पर एक्चुअली देखो 1 ग्राम का निकाला है मैंने, कितने ग्राम का निकाला है, 1 ग्राम का, ठीक है। मुझको 1 ग्राम का चाहिए था ना, मैंने 1 ग्राम का निकाला है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप एक दो बार समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे सिंपल, मैंने बोल दिया कि 4 रुपए में 3 चॉकलेट मिलती है, तो 6 रुपए में कितनी मिलेगी? अब आप ही बताओ कि अगर मैंने बोल दिया 4 रुपए में 3 चॉकलेट मिलती है, तो 6 रुपए में कितनी मिलेगी? देखो बचपन में करते आ रहे हैं बच्चों हम, 6th क्लास से, 4 रुपए में 6 चॉकलेट मिलती है, तो 3 रुपए में कितनी मिलेगी? तो यहां पर देखो 4 रुपए में 6 चॉकलेट मिलती है, तो 1 रुपए में कितनी मिलेगी? इतनी। तो 3 रुपए में कितनी मिलेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अभी तो हमको 1 का ही निकालना था ना, तो 1 का। अगर मुझसे इससे अलग पूछता कि आप मुझे बताओ कि 17 ग्राम में कितना होता, तो 1 ग्राम में तो हमने निकाल दिया। अगर मुझसे पूछता एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा लिख देता बच्चे यहां पर, ध्यान से समझ लेना। अगर मुझसे पूछता 70 ग्राम में पूछता, तो 1 ग्राम में तो मैंने निकाल लिया। अब 1 ग्राम में मैंने निकाल लिया, तो 70 ग्राम में कितना होता? 17 ग्राम में हम इस तरीके से लिखते कि नहीं लिखते बच्चों, इसको आप लोग सोल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। तो यह हो जाएगा 70 ग्राम में कितने किलो जूल, ठीक है। और यह आपका क्या होता बच्चों, पर ग्राम होता। यह आपका क्या होता, पर ग्राम होता, ठीक है। यह आपका क्या होता है बच्चों, आपका पर ग्राम हो जाता, ठीक है। यहां पर आपका पर ग्राम के हिसाब से हो जाता, तो क्योंकि ग्राम को मैंने 1 लिया, तो इसको मैं बोलूंगा किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इन क्वेश्चनों को अच्छे से करो, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीटली बेस्ड ऑन मोर कॉन्सेप्ट, बट आप लोग अगर जब कोशिश करोगे तो आप लोगों को अच्छे से आएगा बच्चों, ठीक है। अगर आपको और भी क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको दूंगा बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी इतना काफी है, ठीक है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आएंगे, सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा भी कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कॉल करके पूछो, डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो, नहीं तो डाउट सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको पूरा समझ में आया होगा। सो बच्चों, थैंक यू सो मच।